New mask, same task. जब से ये बात रिवील हुई है कि आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल करने वाले अवेंजर्स 5 में, लोग इंटरनेट पर पागल हो गए हैं। ये खबर इंस्टाग्राम पर भी ट्रेंडिंग पे चल रही है, मगर तभी भी मार्वल के फैंस को ये बात जाननी है कि आखिर जो अवेंजर्स 5 है उसकी शूटिंग कब से स्टार्ट होगी, मूवी का रिलीज डेट क्या होने वाला है, एंड आखिर पुराने वाले कैंग का क्या हुआ, क्या वो भी अवेंजर्स 5 में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तुम अपनी इस गंदी आदत को सुधारो। अवेंजर्स 5 अब अवेंजर्स 5 नहीं रहा, वो बन गया अवेंजर्स डूम्स डे, जिसका नाम पहले अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी था। और ये बात तो एकदम अनएक्सपेक्टेड थी कि डॉक्टर डूम के रोल में हमारे आरडीजे वापस आएंगे, मगर तभी भी कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लग रही है। उनका बोलना ऐसा है कि अगर आरडीजे आयरन मैन के रोल में वापस आते तो बड़ा मजा आता, डॉक्टर डूम के रोल में किसी और को कास्ट करना चाहिए था। तो देखो, ओपनहाइमर में आरडीजे को ऑस्कर मिलने के बाद उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि वो सिर्फ आयरन मैन का रोल करने के लिए ही नहीं बने हैं, वो बहुत सारे रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर रहते हैं जो कि एक रोल में बंधे रह जाते हैं, जैसे कि टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड को ही देख लो, अगर वो स्पाइडरमैन बनकर आते तभी लोग उनको भाव देते हैं। और सोचो, जिस बंदे ने पूरी इन्फिनिटी सागा में बेस्ट हीरो बनकर दिखाया है हमें, अब वो मल्टीवर्स सागा में बेस्ट विलन बनकर हमें दिखाएगा। मगर हमें यही नहीं पता कि मार्वल हमें डॉक्टर डूम के कौन से वेरिएंट को दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी है डॉक्टर डूम के ऊपर। एक स्टोरी तो ऐसी है कि डॉक्टर डूम ने एक यूनिवर्स को तबाह कर दिया सिर्फ इसलिए कि किसी बंदे को उसका सूट पसंद नहीं आया, रही खतरनाक आदमी है। और कुछ इंसाइडर्स का कहना ऐसा है कि अवेंजर्स 5 मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम का एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस होने वाला है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस का था। और तो बहुत लोग को ये भी बात जाननी थी कि आखिर आरडीजे वापस से आए हैं तो उनको मार्वल वालों ने आखिर कितने पैसे दिए हैं। तो देखो, आरडीजे यूं ही वापस नहीं आए हैं, उनका एक शर्त भी था कि अगर रूसो ब्रदर्स वापस नहीं आएंगे तो मैं भी वापस नहीं आऊंगा। और अगर पैसे की बात करें तो मार्वल वालों ने आरडीजे को करीबन $80 million से भी ज्यादा दिया है डॉक्टर डूम के रोल में वापस आने के लिए। बाप रे, इतना पैसा मुझे मिल जाए तो मेरी पूरे पुश्ते बैठ कर खाएंगे। और अगर बात करें कि आखिर अवेंजर्स 5 मूवी की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी, तो देखो अभी तो इसका स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर चांसेस ऐसे हैं कि अप्रैल 2025 से आपको अवेंजर्स 5 की शूटिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। और अगर मूवी के रिलीज डेट के बारे में बात करें तो अभी के लिए तो 1 मई 2026 अवेंजर्स 5 मूवी का रिलीज डेट है, मगर मैं अपने गोटो की कसम खा के कहता हूँ कि ये रिलीज डेट चेंज होगा आगे चल के। और अगर बात करें कि हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन कैंग द कॉन्करर का क्या हुआ, तो देखो उसका खेल खत्म, अब वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जोनाथन मेजर्स ने जो कांड किया था, मार्वल वालों ने पहले इसको ठिकाने लगा दिया था कि अब वो ऐसा दिखा सकते हैं कि जो टीवी वाले हैं जिसका सिर्फ काम अब इतना है कि वो कैंग के वेरिएंट को रोक सके, वो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जिनके लिए उनको अच्छा सैलरी भी दिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कैंग द कॉन्करर अब आपको कभी फ्यूचर में देखने को मिलेगा, मार्वल की तरफ से वो एक फ्लॉप आइडिया था जिसको मार्वल वालों ने पीछे छोड़ दिया है। और कभी अवेंजर्स 5 से रिलेटेड कोई खबरें नहीं आती है तो चुपके से आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब मार के रखना है। और अगर एड स्क्रीन पे कोई वीडियो पसंद आ रही है तो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए यश 2 मूवीज।